जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने भी SSB ट्रेड्समैन भर्ती का अगर एग्जाम दिया है तो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है, तो ट्रेड टेस्ट इसका कब होने वाला है, ट्रेड टेस्ट के लिए कितने नंबर वालों बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और शेप स्कोर इसका क्या रहने वाला है। इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई लेटेस्ट अपडेट SSB की तरफ से वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब देखिए, हम बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी यहां पर टाइम नहीं मिलने वाला है क्योंकि मोदी जी का मिशन मोड चल रहा है। और यहाँ पर बात करें तो ये भर्ती आपकी 2020 की है, इसको जल्दी कंप्लीट करवाना है और चुनाव आपके सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर टाइम अब नहीं मिलने वाला है। यहां से मैं बात करता हूँ रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो रिजल्ट की मैं बात करूं तो 5 अगस्त से पहले पहले, यहां से मैं बात करता हूँ 5 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी यहाँ पर कर दिया जाएगा। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आगे की ट्रेड टेस्ट की जो डेट है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्त, आपका यहाँ पर जो अगस्त का महीना है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी महीने के अंदर आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। कब तक इसका ट्रेड टेस्ट होगा, इसकी डेट क्या रहने वाली है, तो दोस्त यहाँ से देखिए 15 अगस्त के बाद कभी भी आपका ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो सकता है। 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में ट्रेड टेस्ट कभी भी स्टार्ट आपका हो सकता है, तो आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए ट्रेड टेस्ट के लिए, क्योंकि अभी जो CISF का ट्रेड टेस्ट हुआ है वो काफी बच्चों ने दिया होगा और देखा भी होगा। आसपास अपने साथ वाले कोई यार दोस्त हैं, उन्होंने अगर ट्रेड टेस्ट दिया है तो आपको पता होगा कि किस प्रकार का ट्रेड टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, कितने बच्चे यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल, जिस बच्चे के यहाँ पर बात करता हूँ कि कितने नंबर वाले ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जिस बच्चे के 50 प्लस नंबर है उन सभी को यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। जिस बच्चे के 50 प्लस नंबर है वो अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने रखिएगा, क्योंकि जो ट्रेड आपका हो रहा है वो आजकल अच्छे लेवल का ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ये ड्राइवर की भर्ती है तो उन्हें ड्राइवर चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 दिन कहीं गाड़ी चलाइए, 10 दिन कहीं गाड़ी चलाइए है और वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको अच्छे खासे ड्राइवर चाहिए। तो आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट अच्छा खासा ही होगा, तो 50 प्लस नंबर वालों का सभी को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और वो अपनी बेहतरीन तैयारी में आप लोग जुट सकते हो। फिर मैं आगे बात करता हूँ कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, तो सेफ स्कोर आपका इस ट्रेड टेस्ट के ऊपर निर्भर करने वाला है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, बस इतना यहाँ पर बता सकते हैं कि जिस प्रकार से CISF ने ट्रेड टेस्ट लिया है उसी लेवल का अगर SSB ने ट्रेड टेस्ट लिया तो आपके इस 50 प्लस में 5 से 7 नंबर एड करके मान लीजिएगा, तो यहां से मैं कहूंगा कि 55 से 60 नंबर जिस बच्चे के मन रहे वो अपना सेफ स्कोर मान के यहाँ पर चलिएगा। अब बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट की तैयारी कहां से करें, तो दोस्तों आगे देखिए हम आपके लिए लेकर आए नया बैच। यहां पर माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर एकदम कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। व्हीकल की बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से व्हीकल यहाँ पर दिए जाते हैं, तो देखिए बोलेरो गाड़ी आपसे यहाँ पर करवाई जाती है, स्कॉर्पियो यहाँ पर आपसे करवाई जाती है, टाटा 407 की मैं बात कर लेता हूँ, एस मॉडल ट्रक, बावन सीटर बस, ये सभी गाड़ियां आपसे करवाई जाती है, सभी ऑप्टिकल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और बात करता हूँ तो साथ में आपको रेंज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसकी लोकेशन की मैं बात करता हूँ कि ये है कहाँ पर माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल, तो ये सीकर राजस्थान में है और सीकर में इसकी मैं बात करता हूँ तो NH52 भारती स्कूल के पास में इसका एड्रेस है, तो आप लोग लोकेशन लगा सकते हो गूगल पर, NH52 भारती स्कूल के पास। कोई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके यहाँ से जानकारी ले सकते हो और अपने तैयारी को और बेहतरीन यहाँ से बना सकते हो। दोस्तों ट्रेड टेस्ट की तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 20 दिन का तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा।
वो भी किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने 5 से 7 साल पहले कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं, वो बच्चा भी अगर 20 दिन कम से कम देगा तो टेस्ट क्वालिफाई होने वाला है। अगर जिस बच्चे ने कभी गाड़ी चलाई नहीं है तो उसके लिए तो 1 महीना भी कम रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत बनाइएगा। आपका सिलेक्शन आपके पास में है, आपके नंबर अच्छे हैं। आप अगर यहाँ पर ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे तो आप अपने तो आपने टारगेट बना रखा है उससे आप बहुत दूर चले जाओगे। तो मैं तो आपसे यही आशा करूंगा कि अपनी तैयारी को आप लोग और ज्यादा बेहतरीन बनाओगे। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।